Hello dear viewers, I welcome you all to my YouTube channel. Today's informative video from Ideas by Zarukhliqa is giving you the most interesting top 10 titles about which we have to know and we can talk as well. And the students can give the presentation which would be really informative and interesting for the viewers as well. Okay, sabse pehle I want to request you all to subscribe my channel and click the bell icon to get my newly videos first to you. Sabse pehle hamare paas the top one jo topic hai, it's about phobia. Phobia means fear. जिस चीज़ से इंसान को डर लगता है उस चीज़ को हम लोग फेयर कहते हैं. इट मीन्स फोबिया. एंड फोबिया इज़ हैविंग टू मेन कैटेगरीज. द फर्स्ट वन इज़ कॉमन फोबिया एंड द सेकेंड वन इज़ डेंजरस फोबिया. कॉमन फोबिया ऐसे फोबियाज को कहते हैं जिसको इंसान इंसान को उससे डर तो लगता है लेकिन उसमें कोई नुकसान नहीं होता. यानी वो ऐसे फोबिया से जो इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता है फिर भी इंसान को उस चीज़ से डर लगता है. द सेकेंड फोबिया जो है डेंजरस फोबिया है. डेंजरस फोबिया ऐसे फोबियाज है जिससे इंसान को तो डर लगता है और वाकई में भी वो चीज़ जो है इंसान को नुकसान भी पहुंचा सकता है. इसी वजह से इंसान को भी उससे डर है और वो जो चीज़ है इंसान को भी नुकसान पहुंचा सकता है. तो ये इस तरह के फोबियास यानी काबिल कबूल होते हैं लेकिन इंसान को कोशिश करना चाहिए कि वो जो है हमेशा फोबियास को अपने अंदर से ख़त्म करे. लेकिन कॉमन फोबियाज जो है हमारे पास उसे तो लाजमी हमें अपने अंदर से रिमूव करनी चाहिए. कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास जो ऐसे फोबियाज से अपने अंदर से ख़त्म करना चाहिए. जैसे कि हमारे पास मौजूद है यहाँ पर ट्राइपोफोबिया. ट्राइपोफोबिया इज़ अ टाइप ऑफ फोबिया. वी हैव द फियर ऑफ द राउंड सर्कल्स. राउंड सर्कल्स हमारे हाथों में भी ऐसे डिजीज होते हैं जो हमारे हाथों में भी होते हैं और ऐसे कीड़े मकोड़े के घरों में भी है. तो ऐसे फोबियाज को हम लोग कहते हैं ट्राइपोफोबिया. उसके बाद ऐसे फोबियाज हमारे पास मौजूद है फोबियाज ऑफ इंजेक्शन. एज वी ऑल नो दैट इंजेक्शन हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता और इंजेक्शन तो हमें फ़ायदा देता है हमारे ट्रीटमेंट में. ऐसे फोबियाज को हम अपने से जो है ख़त्म करनी चाहिए. फोबिया ऑफ रोलर कोस्टर से. फोबिया ऑफ सोशल मीडिया. फोबिया ऑफ पीपल यानी एंट्रोफोबिया. फोबिया ऑफ डार्कनेस यानी कि नाइक्टोफोबिया. ऐसे फोबियाज है जो हमें फिनिश करनी चाहिए. और जो है इसके सलूशन यही है कि इंसान को बार बार अपने अंदर जो है इस चीज़ को कैसे ख़त्म करनी चाहिए. इंसान को बार बार इस चीज़ को फेस करना चाहिए. ठीक है, जब हम किसी चीज़ को बार बार फेस करेंगे तो हम लोग हैबिचुअल ऑफ दैट हो जाएंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि वो हमारे अंदर से ख़त्म हो जाएगी. और जो नेक्स्ट फोबिया है यानी डेंजरस फोबिया हमारे पास जो फोबियास है इट्स अबाउट हाइट. फोबियास ऑफ हाइट्स जिससे इंसान को डर भी लगता है और इंसान को जो है नुकसान भी पहुंच सकता है. एग्रोफोबिया. एगोराफोबिया इज़ अबाउट फोबिया ऑफ गोइंग आउटसाइड एंड इट इज़ हैविंग लॉट्स ऑफ डिसएडवांटेजेस एज वेल एंड एज वेल एडवांटेजेस एज वेल. बट इंसान को अगर आउटसाइड जाना होता है तो वो जा सकता है. कोशिश करे अपने अंदर से ख़त्म करे लेकिन ख्याल से. यानी कि रोड पर तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं अगर हम केयर से नहीं जाएंगे तो हमें नुकसान भी पहुंच सकता है. फेयर ऑफ डॉग है. इंसान अगर डॉग को तंग करे तो ऑब्वियस बात है कि डॉग भी तो खामोश नहीं बैठेगा. इस तरह के फोबिया से हमें अगर है तो अच्छा है हमारे लिए. नेक्स्ट हमारे पास फोबिया है फोबियाज ऑफ डीप वाटर. लाइक वी हैव इन सीज रिवर्स वी हैव फोबियाज विच इज़ वेरी डेंजरस. वी हैव एनिमल्स ओवर हियर एंड मे दिस एनिमल्स हार्म द पीपल. सो दैट्स व्हाई दिस फोबिया इज़ आल्सो गुड फॉर अ पर्सन टू हैव.
Another phobia is about hemophobia. Hemophobia is a phobia of a blood, and those people who have a phobia of a blood, they will never try to do such a things from which they face the hemophobia, phobia of blood. तो इसी वजह से इंसान कभी कोशिश नहीं करेगा कि ऐसे हरकतें करे जिससे blood निकल जाए, यानी blood को वो लोग face करे. ये इस तरह के phobia से जो इंसान को नुकसान भी पहुंचा सकता है. इसी वजह से अगर इंसान इसके अंदर में ऐसे phobia से तो बेहतर होगा उन लोगों के लिए. Next, number two top phobia is about addiction. Drug addiction is a choice. This is obvious point के इंसान को drug addiction एक choice है. इंसान खुद उसे select करता है अपने लिए लेने के लिए. जैसे कि हमारे पास अगर mostly लोग यही कहते हैं कि हम लोग drug addiction ऐसे लिए होते हैं, मजबूरी होती है या कि sadness होती है या बिल्कुल we will be hopeless after onwards we will do such a things. But मेरे ख़्याल से इंसान को ये सब चीज़ें stop करनी चाहिए. अगर इंसान के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं होता, फिर भी ऐसे रास्ता होता है हमारे पास. We have a job opportunities over there. We have a lots of activities at our home and outside. We have a lots of activities instead of drug addictions. We have to apply for many activities at our homes. ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी अगर हम लोग कहते हैं कि ड्रग एडिक्शन मजबूरी में होता है, ये एक डिज़ीज़ है, तो ये बिल्कुल गलत है. ये डिज़ीज़ नहीं होता, बल्कि इंसान ख़ुद अपनी मर्ज़ी से लेता है. Third, the most top title is about parents should be the role model of their children. ये एक बहुत ही अच्छी टाइटल है. अगर इंसान इस पर प्रेजेंटेशन करे, लेक्चर दे, लोगों को समझाए, तो ये हमारे माशरे यानी सोसाइटी के लिए भी बेहतर होगा और लोगों के लिए भी अच्छा होगा. तो इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स जैसे कि व्हेन अ बेबी बॉर्न इन अ हाउस दे डोंट नो एनीथिंग. दे डोंट नो हाउ टू ईट, हाउ टू ट्रीट एंड हाउ टू वॉक और हाउ टू टॉक. ये सब ये लोग अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं. विनो अगर पेरेंट्स हमारे पास, वी हैव द पिक्चर ओवर हियर, आप लोग देख सकते हो कि एक जो है डे जो है अपनी शर्ट को टाई कर रहा है, तो बेबी वही कॉपी कर रहा है, उसका चाल भी वही कॉपी कर रहा है. जैसे कि वी ऑल नो दैट मोस्ट ऑफ द चाइल्ड, लाइक इफ़ द चाइल्ड इफ़ अ चाइल्ड इज़ अ बॉय दे विल कॉपी देयर फादर, इफ़ अ चाइल्ड इज़ अ गर्ल दे विल कॉपी देयर मदर्स. सो दे हैव टू मेक देयर ऑन सेल्फ्स परफेक्ट फॉर देयर चिल्ड्रन. उन लोगों के लिए ख़ुद को अच्छी करनी चाहिए. जैसे कि अगर अब्बा एंग्री है तो बच्चा भी एंग्री होगा, उसके फ्यूचर भी उसी तरह वो लोग यही सोचेंगे. आवर वर्ल्ड इज़ देट टू बी एंग्री ऑल ओवर द टाइम्स. ऐसे बाप भी होते हैं कि ऑल ओवर द टाइम्स घर में बैठे बैठे सिर्फ फालतू हरकतें ही करते हैं, गेम्स खेलते हैं. दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, दे आर नॉट डूइंग वर्क. सो उसका बच्चा भी उसके साथ वही खेलेगा, तो वही सोचेगा कि सारी दुनिया ही यही है, गेम खेलना है. तो इट्स नॉट अ गुड हैबिट. और ऐसी गुड एक्टिविटीज़ भी होते हैं, ऐसी हैबिट्स भी होते हैं, ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को एजुकेशनल की तरफ उनको तवज्जो देते हैं, यानी वो लोग खुद भी पढ़ते हैं, उन पर भी कोशिश करते हैं कि वो लोग अपनी एजुकेशन हासिल करें. तो वो लोग अगर अपने आप लोग अपने बच्चे को चाहते हो कि दे इफ़ दे वांट देयर चिल्ड्रन शुड बी अ सक्सेसफुल पर्सन, इफ़ दे वांट देयर चिल्ड्रन शुड गेट अ सक्सेस, सो फॉर देट दे हैव टू मेक अ टाइम टेबल एंड दे फर्स्ट दे हैव टू फॉलो ऑल द टाइम टेबल्स. आफ्टर ऑनवर्ड्स देयर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दे विल आल्सो फॉलो द सेम रूल, यानी उनके बच्चे भी वही रूल्स फॉलो करेंगे. Number 4-1 is the top title is about psychology, and in psychology it's a field of science in which we study about the mind of a human being. We will read the psychology will read the mind of a human being, and they will search that what would be their problem. They will try to solve their problem. If they have some negativity in their minds, they will clear and they will solve their problem. It's a very interesting and informative title. If you go for that for a presentation or for a lecture, it will be really informative and it will give you knowledge to you as well for your. Iske baad the 5th top title is about success and character.
एंड एज वी कैन सी इन द पिक्चर एज वेल, हमारे पास पिक्चर में भी शो हो रहा है कि करेक्टर की जो है सक्सेस अगर हम लोग हासिल करना चाहते हैं तो सक्सेस के बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है करेक्टर से ही होती है. करेक्टर पर प्लस करेक्टर इज इक्वल्स टू सक्सेस. तो आप लोग हमेशा ट्राई करें, अगर आप लोगों की करेक्टर अच्छी होगी, अगर आप लोगों की मेहनत अच्छी होगी, आप लोग अगर ट्राई करेंगे सो यू कैन फ्लाई. आप लोग कुछ भी कर सकते हो, आप लोग सक्सेसफुल हो सकते हो. इट्स अ वेरी मोटिवेशनल लेक्चर इफ़ यू पीपल वॉन्ट टू स्पीक ऑन देट. अगर आप लोग इसके बारे में अपना लेक्चर तैयार करें तो बहुत ही बेहतरीन एंड मोटिवेशनल लेक्चर बनेगी. ठीक है, तो आप लोग हमेशा कोशिश करें ऐसे टाइटल सेलेक्ट करें जो आपको भी नॉलेज दे और आपके ऑडियंस को भी नॉलेज दे. तो सो ये जो टाइटल है सक्सेस एंड करेक्टर वाली, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और आपको भी नॉलेज दे के साथ में आपके ऑडियंस को भी. इसमें क्या होता है कि अगर इंसान सर्च करेगी, ट्राई करेगी, मेहनत करेगी, ऑब्वियसली दे विल गेट लाइक एंड they will get a thumb for themselves, they will get success one day if they will try so they can fly. वो लोग कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे. हमारे पास जो है सिक्स टाइटल है, इट्स अबाउट बैलेंस्ड डाइट. यानी आज के ज़माने में हर किसी को अपनी डाइट के हवाले से बहुत केयरफुल होता है कि हमें क्या कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए. अगर आप लोग इसके बारे में लेक्चर या प्रेजेंटेशन तैयार करें, अगर आप लोग ख़ुद रिसर्च करें, वन ऑफ द मोस्ट टॉप रिसर्चेबल टॉपिक है ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनली. बहुत ही ज़्यादा इसकी डिमांड, अगर कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करे विद द पीपल. लाइक इसमें फूड डिविजन्स होते हैं, आप सबको पता होगा कि फूड में डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि फैट है, ऑयल है, सॉल्ट, शुगर, मीट, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड ग्रेन्स, एंड ऑल ऑफ देम वी नीड, अ ह्यूमन बीइंग नीड, बट इन लिमिट. लाइक वी हैव अ परसेंटेज ऑल ओवर ऑन दैट दैट अ हेल्दी पर्सन, इफ़ अ पर्सन वांट टू बी हेल्दी, उस इंसान को कितने परसेंट कौन सी चीज़ें कितने परसेंट में खानी चाहिए. सही है, उसके बाद मौजूद है हमारे पास कि इंसान को यानी अगर हेल्दी होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें हैं ऐसी. फोर मेन चीज़ है प्रोटीन, फैट, फ्रूट्स यानी वेजिटेबल्स, या कि फाइबर जो कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट. इन चार चीज़ों में से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कम मकदार में खानी चाहिए. नाउ द सेवंथ वन इज़ अबाउट टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर. मर भी जाते थे अपने छोटे से बीमारी की वजह से, लेकिन आज के ज़माने में ड्यू टू टेक्नोलॉजी वी कैन सर्च द डिजीज़ ऑफ अ पर्सन एंड वी कैन हेल्प टू मेक अ पर्सन हेल्दी. तो उनकी मोस्टली मोस्ट ऑफ द डिजीज विल बी नाउ इन दिस एरा वी कैन क्योर. मतलब जो है उन लोगों की बीमारी है, हम लोग जिंदगियों को सेव कर सकते हैं नाउ थ्रू द न्यू टेक्नोलॉजी. एट पर मौजूद है इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इंटरनेशनली कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है और कौन सी परसेंटेज में हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. इसके बारे में आप लोग रिसर्च करें, इसके आप लोग ताकि ऑडियंस से भी शेयर करें पीपल, ताकि हर कोई कोशिश करे इसके सोल्यूशन को ढूंढने के लिए, ताकि हम सब जो है वर्ल्ड के सारे जो लोग हैं एक साथ यूनाइट होकर काम करें इस पर, हमारी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनली सारे ऐसे प्रॉब्लम्स को हल करें. द नाइन्थ वन इज़ अबाउट हिडन प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड. हिडन प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड इन द आज के ज़माने में भी ऐसे प्लेसेस है दुनिया में, ऐसे जगह है, ऐसे एरियाज है जो कि इंसान को अभी तक पता नहीं है. साइंटिस्ट आर रिसर्चिंग अबाउट दिस. सो आप लोग अगर इसके बारे में रिसर्च करें तो इट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग फॉर यू एंड फॉर योर ऑडियंस. ओके, आप लोग कोशिश करें ऐसे टाइटल्स ढूंढें जो इंटरेस्टिंग हो के और इंसान बोर भी ना हो जाए. सो दिस इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक्स विच विल बी रियली इंफॉर्मेटिव फॉर यू एंड फॉर योर ऑडियंस. आप लोग लाजमी ट्राई करें कि ऐसे इंफॉर्मेशन लाजमी अपने साथ शेयर करें लोगों के साथ भी. नंबर टेंथ वन इज़ अबाउट ह्यूमन्स ब्यूटी. ह्यूमन्स ब्यूटी इज नॉट जस्ट बाई फेस, ह्यूमन्स ब्यूटी इज़ फ्रॉम द इनर साइड एज वेल. ह्यूमन्स ब्यूटी इज़ द वन
one of the largest topic, one of the vast title over which people can talk more. आप लोग इसके बारे में अगर रिसर्च करें, प्रेजेंटेशन दें या लेक्चर तैयार करें तो लोगों को भी पता चल जाएगी, यानी कि हमारी जो दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं इन विच वो लोग खूबसूरत तो नहीं हैं, दे डोंट हैव अ ब्यूटी ऑफ अ फेस बट ड्यू टू हैविंग अ ब्यूटी ऑफ अ हार्ट, यानी कि जो उनके खूबसूरती है यानी उनकी इनर जो ब्यूटी है उनकी बायस बनी है सक्सेसफुल होने के लिए। तो आप लोग हमेशा ऐसे टाइटल्स लाए जो इंसान को मोरल भी मिले, लोगों को उससे सबक मिले, लोगों को उससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिले जो वो लोग ट्राई करें, उसको सोचने पर मजबूर करें, वो लोग कोशिश करें कि घर जाकर लाजमी उस पर सर्च करें और उस प्रॉब्लम अगर प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन ढूंढे, तो उसे इंसान को मोरल भी मिलेगा। ठीक है, ये था टॉप 10 टाइटल्स ओवर विच पीपल कैन टॉक मोर। इससे इंसान को सबक भी मिलता है, मोरल से बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल से, तो आप लोग लाजमी ट्राई करें एंड देखिए मैजिक। ओके, तो एट द लास्ट लाजमी ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो आप लोग लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट माई न्यूली वीडियोज़। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।